तो गाइज यार, मैं ना काफी दिनों के बाद आज फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए। तो गाइज अभी मैं पूरा घर साफ कर चुका हूँ, बस ये छत रह रहा था और मैंने पूरा छत भी साफ कर दिया। फिलहाल ये एरिया ना थोड़ा गंदा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको भी फटाफट साफ करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। वेट गाइज, आई थिंक ना मेरे फोन में कॉल आ रहा है। और ये लॉस एंड्रोस के डॉक्टर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर, बोलो क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ यार, तुमसे बहुत जरूरी काम है मेरे का। अरे डॉक्टर बताइए तो हुआ क्या और मुझे अर्जेंट में क्यों बुला रहे हैं? अरे पहले यहाँ आ जाओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें सारी बात। ठीक है, लेकिन कौन से वाले हॉस्पिटल में, ये तो बता दो। लॉस सैंटोस में ना दो तीन हॉस्पिटल है, आप कौन से डॉक्टर बोल रहे हो? अरे पिलबॉक्स हिल सेंटर, वहीं का डॉक्टर हूँ मैं, आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है डॉक्टर, चलो बाय। ऑलराइट गाइस, अभी मुझे कॉल आया था एक हॉस्पिटल से और लिटरली वो मुझे बुला रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे क्यों बुला रहे थे, लेकिन हाँ वो अर्जेंट में बुला रहे थे। चलो फटाफट जाता हूँ और सिंचैन और चॉप को बोलता हूँ कि चलो फटाक से हॉस्पिटल। वेट गाइस, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? चॉप, तू बता ना इसका कलर चेंज कर दे। अरे नहीं, यही कलर अच्छा है। अरे मैं तो कहूँ इसका कलर ब्राउन कलर कर देते हैं यार। एक मिनट, मेरी गाड़ी को छूने से पहले मेरी परमिशन जरूर लेना। और हाँ, कलर चेंज कर रहे थे, पागल हो क्या? इतनी प्यारी कलर तो है। सुनो, हमें फटाफट यहाँ से जाना है यार। अरे कहाँ जाना है यहाँ से? अरे मुझे डॉक्टर ने बुलाया है, भी लॉस सैंटोस के, पता नहीं कोई अर्जेंट वर्क है उनके लिए। फ्रैंकलिन भैया, मुझे लगा आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बुलाया है यार। अरे नहीं नहीं, मैं और ऑपरेशन, ये काम तो डॉक्टर का होता है। और गाइस लिटरली डॉक्टर अंकल ने ना मुझे बहुत जल्दी बुलाया। फ्रैंकलिन भैया, रास्ते में आपने किसी को ठोकते नहीं दिया था ना? अरे नहीं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं ठोका है। लिटरली गाइस, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि डॉक्टर ने मुझे क्यों बुलाया है। और वेट, उसने सिंचैन और चॉप को नहीं बुलाया था। जो भी हो, अब तो सारी बात हमें वहाँ जाके पता लगेगी। अरे यार, मुझे लगता है फ्रैंकलिन भैया आपने किसी को ठोक दिया होगा, इसलिए बुला रहे हैं। यार ये हिरन, गाइस लिटरली मैंने ब्रेक मारा था लेकिन ये हिरन। अरे हिरन तुम ठीक तो हो ना? गाइस हिरन तो ठीक है और देखो वो भाग भी रही है। कोई बात नहीं, आराम से जाना। फ्रैंकलिन भैया, हिरन कितने तेज भागती है, हमारी कार से भी स्पीड भाग गई, देखा आपने? हाँ हाँ देखा, लेकिन यार वो एकदम से ना रोड में आ गई थी और मेरे से ब्रेक लगा नहीं, तो मैंने हल्का सा ठोक दिया। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं उस रास्ते से जहाँ से हिरन जा रही है, वहाँ से शॉर्टकट है। और लिटरली गाइस, यहाँ आसपास में ना बहुत सारे हिरन है। अरे यार, इन हिरन को रोड में नहीं आना चाहिए, कोई बड़ी गाड़ी से ठुक जाएंगी तो इनको काफी ज्यादा चोट लग जाएगी ना। हाँ वो तो है। और वेट, ये देखो हमारे लॉस एंड्रोस के फॉरेस्ट ऑफिसर जो यहाँ पे राउंड मारते हैं। और लिटरली गाइस, यहाँ जंगलों में चोरी नहीं होने देते। तो चलो फटाफट यहाँ से हम लोग निकलते हैं। गाइस देखो, अभी हम लोग हाईवे में पहुँच गए और अभी देखना, मुझे यही नहीं पता हॉस्पिटल है कहाँ पर। अबे हॉस्पिटल, ये मुझे याद है, हाँ मैंने मैप में लगा रखा है। अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हूँ, कौन सी रोड में जाना है, यहाँ तो बहुत सारे रोड है। ये लेफ्ट या राइट, सॉरी शायद लेफ्ट वाले में जाना था। हाँ हॉस्पिटल उस साइड है, तो चलो इस वाले रास्ते में जाते हैं यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप गलत रास्ते में चले गए, अब आपको रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा, देखा? अबे हाँ हाँ, मुझे नीचे जाना था और नीचे जाने के बाद ना मुझे यू टर्न लेना है। और ये लो, अभी मैं सही रास्ते में हूँ। चॉप फ्रैंकलिन भैया, लगता है आप ड्राइविंग भूलते जा रहे हो डे बाई डे। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है कि मुझे कहाँ जाना है और वो हॉस्पिटल आई थिंक यही वाला है। हाँ हाँ यही वाला है, और नाम भी कुछ यही बताया था। चलो, और डॉक्टर कहाँ गए? आई थिंक गाइस वो रे डॉक्टर, उन्होंने मुझे बुलाया था। हाय डॉक्टर, आपने ही मुझे बुलाया था, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। अरे आओ आओ फ्रैंकलिन, लेकिन मैंने तुमको अकेले बुलाया था, ये बच्चा और ये कुत्ता कौन है यार? अरे वो दोनों मेरे दोस्त है, आप बताओ आपने मुझे क्यों बुलाया? फ्रैंकलिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हेल्प करोगे यार। हाँ हाँ प्रॉमिस किया, लेकिन हेल्प क्या करनी है ये तो बताइए। अरे पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ दो एम्बुलेंस
और 2 ड्राइवर हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब हमें इमरजेंसी में कहीं जाना होता है और बहुत सारे पेशेंट होते हैं, पर 2 एम्बुलेंस के कारण बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे पास 2 ही एम्बुलेंस और 2 ही ड्राइवर है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फ्रैंकलिन। एक मिनट, फिर इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये बताइए। मैं चाहता हूँ आप हमारे लिए ऐसी एम्बुलेंस बनाइए जिसमें बहुत सारे पेशेंट एक बार में बैठ जाएं और हमारा ड्राइवर सिर्फ एक ही हो जो उस पूरे एम्बुलेंस को चला सके यार। अच्छा, मैं समझ गया। मैं आपकी बातों को गौर किया और मेरे को पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मेरे को ना बहुत सारे एम्बुलेंस चाहिए जिसको एक साथ में लंबा कर दूंगा और उसके बाद एक ड्राइवर पूरे एम्बुलेंस को चलाएगा। उससे हमारे लॉस एंजेलिस का बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप जितने भी पेशेंट लाना चाहो उतने सारे पेशेंट एक बार में आ जाएंगे। इसका मतलब फ्रैंकल भैया हमें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एम्बुलेंस बनाना पड़ेगा यार। हाँ, लेकिन वेट, हमारे पास तो मेरे को लग रहा है 2 ही एम्बुलेंस है डॉक्टर। अरे नहीं, इन एम्बुलेंस को आपको यूज नहीं करना, ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी के लिए है। आपको सारी एम्बुलेंस बिल्कुल न्यू यूज करनी पड़ेगी यार। और वो एम्बुलेंस कहाँ पर है? अरे सिमोन का नाम सुना है कभी? हाँ, वो तो मेरा दोस्त है यार। अच्छा हाँ, मैंने उसको बोल रखा है, उसने 6 एम्बुलेंस मंगवाई है, तो वो सारी एम्बुलेंस तुम ले जाना यार। अच्छा फिर ठीक है। तो गाइस, अभी मैं सारी बात समझ गया हूँ। डॉक्टर को ना हमसे यहाँ लॉस एंजेलिस की सबसे लंबी एम्बुलेंस बनवानी है जिससे सभी पेशेंट एक बार में आ जाए और उसको एक ही ड्राइवर चला सके। और हाँ, सारी एम्बुलेंस सिमोन के शोरूम में है और डॉक्टर ने सारी एम्बुलेंस ऑर्डर करके मंगवाई होगी। तो चलो, अभी मुझे सारा बात समझ में आ गया। लेकिन हाँ डॉक्टर, एक काम तो मैं करवाना भूल गया आपसे। अरे मेरे से काम? अरे मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ फ्रैंकलिन? एक काम बस आप ही कर सकते हो, फटाफट लोगों को बोलो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यार। अच्छा ये तो कर देंगे। गाइस, लॉस एंजेलिस के लोगों के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। चलो फिर ठीक है। और मैं तो चला सिमोन के शोरूम। और हाँ, आपको ये पूरा एम्बुलेंस ना शाम तक मिलेगा, क्योंकि एम्बुलेंस में काफी ज्यादा काम होता है। और हाँ, अभी मेरे को एम्बुलेंस सबसे पहले सिमोन के शोरूम से लेना पड़ेगा। तो गाइस, अभी मुझे सारा काम समझ में आ गया है, फटाफट यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सिमोन के शोरूम में। अरे हाँ चलो गाइस, सही में आज हम बनाएंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एम्बुलेंस जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है यार। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, और वो काम सिर्फ चॉप कर सकता है, चॉप द डॉग। ओके गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं सिमोन के शोरूम में। और लिटरली गाइस, हमें तो आज बहुत ज्यादा मजा आया काम करके, क्योंकि हम आज लॉस एंजेलिस की सबसे ज्यादा बुराई करने वाले हैं। क्योंकि गाइस, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एम्बुलेंस के कारण हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, और गाइस फिर वो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। जो भी हो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिमोन के शोरूम, और सिमोन के शोरूम में मुझे कहीं एम्बुलेंस तो नहीं दिख रही। हाय सिमोन, वो देखो गाइस, वहां सिमोन खड़ा है। हाय सिमोन, कैसे हो? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, अपनी बताओ फ्रैंकलिन। अरे मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है यार। अरे मुझे पता है, आओ दिखाता हूँ। ये देखो जो रेड वाली गाड़ी है ना, बस अभी आई है 2 दिन पहले, पूरे 7 करोड़ की है यार। एक मिनट, पहले मेरी बात तो सुनो सिमोन। क्या हो गया? कार दिखा तो रहा हूँ मैं तुमको। अरे मुझे कार नहीं चाहिए, आज मैं अपने पैसे नहीं हॉस्पिटल वालों के पैसों में एम्बुलेंस लेने आया हूँ मैं। अच्छा एम्बुलेंस तुम लेने आए हो? तुम्हारी जॉब हॉस्पिटल में कब लग गई यार? अरे नहीं, उन लोगों ने मुझे भेजा है, और हाँ उन एम्बुलेंस को ना मॉडिफाई भी करनी है, तो वो सारा काम मैं करूँगा। इसीलिए फटाफट से ना सारी एम्बुलेंस मुझे दे दो यार। चलो मैं दिखाता हूँ तुमको, सारे एम्बुलेंस तो मैंने मंगवा दिए हैं, लेकिन हाँ सारे एम्बुलेंस के कलर थोड़े अप डाउन है, इसलिए तुम देख लेना कि वो सारे एम्बुलेंस चलेंगे ना। हाँ ठीक है, अभी आप फटाफट से ना मुझे सारे एम्बुलेंस दिखा दो। और हाँ, उनको मुझे लेके भी जाना होगा, तो मैं सारे एम्बुलेंस लेके कैसे जाऊंगा? गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो भी हो सिमोन, फटाफट से एम्बुलेंस दिखा दो मेरे को। अरे आओ अभी दिखाता हूँ। सही में गाइस, मानना पड़ेगा, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा
कि हॉस्पिटल वाले ने फ्रैंकलिन को सिलेक्ट किया है। सही में फ्रैंकलिन से सारे काम उल्टे पुल्टे होते हैं, तब भी यार। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया, एम्बुलेंस का सबसे पहला पेशेंट मुझे बनाना ठीक है? अरे पागल हो गया क्या चौप? एक मिनट चौप, तुझे पता है कि पेशेंट किसे कहते हैं? जिसकी हालत खराब हो या जिसकी तबीयत खराब हो, और तू पेशेंट कभी नहीं चौप। फ्रैंकलिन भैया मैं इसको पेशेंट बना दूंगा, दो चार लात घुसे मारूंगा अपने आप पेशेंट बन जाएगा यार। हाँ ये हो सकता है, तो चुप तो तैयार है दो चार मुक्के लात खाने के लिए? अरे तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मेरे को और भी काम है। ये देखो ये रहे दो एम्बुलेंस और उधर बाकी के एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस दिए थे मुझे ऑर्डर के लिए, ठीक है यार। लेकिन सिमोन ये सारे एम्बुलेंस को ज्यादा डिफरेंट कलर में नहीं है? अरे नहीं यार सारे एम्बुलेंस हैं, तुम टेंशन मत लो, ये टोटल एम्बुलेंस की कैटेगरी में आती हैं यार। ठीक है तो फिलहाल गाइस यहाँ पे टोटल 6 एम्बुलेंस है, अबे इन लोगों को मैं कैसे लेके जाऊँ ये तो बताओ। एक ही करके लेके जाऊंगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा सिमोन। अरे नहीं नहीं सामने ट्रक रखा तो है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो फ्रैंकलिन? ओ फिर तो ठीक है। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे टोटल 3 रेड एम्बुलेंस है और बाकी 3 व्हाइट, और चलो हम लोग फटाफट जाते हैं और एम्बुलेंस को वो ट्रक में रखते हैं। लेकिन हाँ गाइस एक सबसे बड़ा सवाल, और जिसको पता होगा वो फटाफट कमेंट में जरूर बताना, आप लोग ये बताओ कि एम्बुलेंस की स्पेलिंग उल्टी क्यों लिखी हुई है, और जिसको पता है वो फटाफट यस लिख दो और जिसको नहीं पता वो नो लिख दो। तो चलो जब तक आप लोग लिखो मैं जाता हूँ और बड़ा वाला ट्रक लेके आता हूँ यार। अरे यार क्यों लिखते हैं सिंचन, तुझे कुछ पता है? अरे मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं यार। ठीक है अभी दोनों शांत रहो और फटाफट मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, फटाफट आ। और ये देखो गाइस यहाँ पे इतना बड़ा ट्रक, और इसको पहले अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद सभी एम्बुलेंस को इसके ऊपर रखना पड़ेगा, और फिर गाइस हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में जाके हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करेंगे यार। अरे बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन भैया। चलो गाइस अभी फटाफट ना इस ट्रक को घुमा के लेके जाना पड़ेगा उस साइड, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा है तो यूटर्न तो होता नहीं, लेकिन हाँ अभी ये पूरा, हाँ अभी इसके अंदर जगह है जहाँ पे पूरा ट्रक जा सकता है। चलो 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 पहुँच गए सिंचन, अब फटाफट मेरी मदद करवा यार। अरे हाँ मैं तो आपकी मदद हमेशा करता हूँ, चुप आ जा नीचे। अरे नहीं यार मैं क्या करूँगा फ्रैंकलिन भैया, मैं तो बस देखूंगा ना यार। हाँ तू तो बस देखता रहे। तो गाइज अभी एक काम करता हूँ, उधर से स्टार्ट करता हूँ फटाफट एक एक एम्बुलेंस रखने के लिए, वरना लेट हो जाएंगे ना तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और रात भी हो सकती है गाइस, इस काम में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार। अरे ठीक है तो तुम अपना काम करो, मैं चला दुकान सामान ले, ठीक है यार? ठीक है सिमोन, वैसे भी इसकी पेमेंट तो हॉस्पिटल वाले कर चुके होंगे। अरे बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन भैया, वरना हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग एक एम्बुलेंस खरीद लें। सिंचन तू सही बोल रहा है, लेकिन गाइस हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल ना सभी एम्बुलेंस को उठा उठा के इस ट्रक के ऊपर रखते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे। सिंचन फटाफट से ना एक रोप निकाल जिससे हम लोग एम्बुलेंस को बांध सके यार। अरे हाँ हाँ वो है तो ट्रक में ही तो रखा हुआ है, आपने देखा नहीं क्या? अरे निकालना फटाक से। ओके गाइस अभी सिंचन और मैंने सभी एम्बुलेंस को ना सबसे ऊपर रख दिया है, और लिटरली ये इतना ज्यादा ऊंचा हो गया है ना कि क्या ही बताऊं, ये सिमोन के शोरूम से भी ज्यादा ऊंचा हो गया है। और ये लो मैं सिमोन के शोरूम के छत के ऊपर आ गया हूँ, और सिमोन कहाँ गया? इधर ही होगा, कार वगैरह बेच रहा होगा, और वो देखो वहाँ पे सिमोन खड़ा है। फ्रैंकलिन भैया नीचे भी आ जाओ यार, कितना टाइम लगाओगे? हाँ 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 बस आ गया, और भाई साहब ये गिर गया लिटरली गाइस, पैर फिसला और मैं घुमा और नीचे। चलो चोट तो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन फिलहाल ये एम्बुलेंस देखो इतना ज्यादा ऊंचा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है चलता फिरता कोई बिल्डिंग हो। तो फिलहाल गाइस अभी ना यहाँ से फटाक से निकल लाऊंगा जिससे हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए, और हाँ गाइस हमें ये एम्बुलेंस ना हॉस्पिटल में जल्द से जल्द देना होगा जिससे सभी पेशेंट को हॉस्पिटल आने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो अब यहाँ से निकल के फटाक से चलते हैं एम्बुलेंस को लेकर एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ जाके सिंचन और मैं सारा काम फटाफट से कर देंगे, और ये तो काफी ज्यादा
भारी हो गया है लिटरली। ये तो बहुत ज्यादा भारी सिंचन, ये ट्रक तो आगे से उठ जा रही है। अरे तो क्या करें, पीछे नहीं देख रहे हो, तीन तीन इतने भारी एम्बुलेंस हैं, तो उठेगी नहीं तो क्या होगी यार। अरे यार गाइस लिटरली अब मुझे पूरा दम लगाना पड़ेगा और ट्रक को आगे खींचना ही पड़ेगा, एक दो और, अरे चलती जा, रुकियो मत, जैसी रुकी तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। और गाइस ट्रक ने सभी एम्बुलेंस को खींच लिया है, फिलहाल फटाफट हम लोग स्पीड में जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। यार फ्रैंकलिन भैया मानना पड़ेगा इस ट्रक के अंदर तो बहुत पावर है, गाइस आप लोगों ने देखा ना चढ़ान में भी 6 एम्बुलेंस के साथ कितने आराम से ऊपर चढ़ गई यार। फ्रैंकलिन भैया कोई भी इस ट्रक को देख रहा होगा ना पक्का ऐसा सोच रहा होगा कि ये चलता फिरता बिल्डिंग कहाँ से आ गया यार। अरे चौप बिल्डिंग नहीं एम्बुलेंस बिल्डिंग, लिटरली 1 2 3 और इधर 3, टोटल 6 एम्बुलेंस, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग ही हो लेकिन एम्बुलेंस बिल्डिंग यार। वैसे गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के पास पहुंचने के साथ हम लोग जाएंगे अंदर और वहां जाके काम करेंगे अपना काम स्टार्ट। यार फ्रैंकलिन भैया अंकल गेट खोल दो, देखो बहुत ज्यादा आज काम है हमें, इसलिए कुछ पूछताछ मत करना। गाइस देखो कुछ बोला भी नहीं अंकल ने यार। फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, अभी हमें सबसे बढ़िया जगह ढूंढना है जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और तो और वो जगह काफी ज्यादा मस्त होनी चाहिए सिंचन। वैसे पूरा एयरपोर्ट ही ना काफी ज्यादा सुनसान है, और हाँ हम ये काम कहीं भी कर सकते हैं। चलो यहीं पे ट्रक रोकते हैं और सारा काम हम लोग यहीं पे करते हैं यार। हाँ यहीं कर लो या कहीं भी करो, फ्रैंकल भैया काम तो काम है ना। अरे हाँ हाँ जो भी हो, अभी ट्रक को हमने अलग तो कर दिया है सिंचन और चौप, अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हाँ काम के बीच में कोई मजाक नहीं करेगा, बस काम करेगा और काम ही करेगा। तो चलो फटाफट से हम लोग सभी एम्बुलेंस को नीचे उतारते हैं यार। और सिंचन ये बता पहले मुर्गी आया या अंडा। अरे चौप अभी फ्रैंकलिन भैया ने क्या बोला है तूने ध्यान नहीं दिया, मजाक नहीं करना, और मैं तुझे बता दूं आंसर मुझे नहीं पता ठीक है ना। अभी दोनों का दोनों ना मजाक बंद करो, और हाँ चलो मदद करो मेरी सभी एम्बुलेंस को नीचे उतारने में यार। ठीक है फ्रैंकलिन भैया अभी उतारते हैं इनको। फ्रैंकलिन भैया बहुत तेजी से काम चल रहा है, क्या बात है यार। अबे क्या ही बताऊं, एम्बुलेंस उतारने में ना काफी ज्यादा थक गया, और लिटरली गाइस ये लाश की 2 एम्बुलेंस रह गई, जो फटाफट मैं अभी उतारता हूँ। और यार ऊपर कैसे जाऊं लिटरली, अबे अबे नहीं 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 गिर ना जाए वरना एम्बुलेंस टूट जाएगी और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और गाइस एम्बुलेंस के अंदर और अबे पीछे वाली ना गिर जाए। ओके गाइस ये तो अभी काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो गया था, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके ना एम्बुलेंस को बचा ही लिया। फ्रैंकलिन भैया वो तो बच गए वरना बहुत नुकसान हो जाता है, और नई एम्बुलेंस मिलती भी नहीं यार। और तो और गाइस अभी बहुत बड़ा नुकसान होता और फिर डॉक्टर अंकल मुझे सुनाते, और तो और मेरे को ये पूरा एक नया एम्बुलेंस खरीदना पड़ता। और चलो फिलहाल कोई खर्चा तो हुआ नहीं और नुकसान भी नहीं हुआ, अब ये लास्ट वाला एम्बुलेंस नीचे उतारते हैं, 1 2 और लेट्स गो। वाओ फ्रैंकलिन भैया आप तो लगते स्पेशलिस्ट बन गए। गाइस देखो फ्रैंकलिन भैया को सारा काम इतने स्मूथ तरीके से कर रहे हो, मानना पड़ेगा। हाँ हाँ वैसे भी बहुत दिनों से ना मैं सभी गाड़ियों को आराम से उतारता हूँ और आराम से चढ़ाता हूँ। वैसे गाइस एक काम करते हैं, काम हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकलिन भैया मैं ये सोच रहा हूँ एम्बुलेंस को ज्वाइंट कैसे करेंगे, लेकिन हाँ पीछे का देखने से लग रहा है कि हाँ इसको ज्वाइंट करने के लिए सिर्फ वेल्डिंग का काम लगेगा। अच्छा तो तुझे तो पता ही है, एक काम कर तू काम करना स्टार्ट कर दे अब। ठीक है मैं करना शुरू कर देता हूँ, चुप मेरा सारा सामान दे मेरे को। और लेकिन तेरा सामान है कहाँ पे? अरे तू ट्रक के अंदर ढूंढ के तो ला, वो सारा सामान हमारे काम आने वाला है। ठीक है मैं अभी ला के देता हूँ। फ्रैंकलिन भैया ये सिंचन मेरे से भी काम कराएगा क्या? हाँ चौप जरूर कुछ तो काम आ, बस बैठे बैठे खाएगा और मोटा हो जाएगा। नहीं नहीं सिंचन तो इससे काम करा, और जब ना करे तो मुझे बताइयो, पक्का मैं इसका खाना पीना बंद कर दूंगा। अरे यार सारा सामान छोड़ो, पूरा लॉस एंड डस ला के दे दूंगा, खाना पीना का नाम मत लेना बीच में। अरे यार सही में चौप तो डर गया, चौप मैं तो मजाक कर रहा था तू तो सीरियस ले गया। चलो अभी वहाँ पे चौप और सिंचन दोनों के दोनों
काम कर रहे हैं। और लिटरली गाइस, एक एम्बुलेंस को ना बढ़िया एम्बुलेंस बनाने में ना हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। और ये सीधा हाँ चुप आराम से यार, मुझे तो गलत मत बता, ठीक है ना? इंजन मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुद देख ले, तूने दोनों तार को गलत ज्वाइंट किया है। अरे दो मिनट रुक जा, ये वाली लाल है। हाँ हाँ सॉरी यार गाइस, सही में चुप तो बड़ा ध्यान देने लग गया। एंगल भैया देख रहे हो ना, चुप भी बहुत स्मार्ट हो गया है मेरे साथ रह के। हाँ देख रहा हूँ। अबे तुम दोनों फटाफट काम करो, जब तक मैं लाइन वाइज सभी एम्बुलेंस को लाइन से लगाता हूँ। और एक काम करता हूँ गाइस, एक रेड एंड व्हाइट, फिर रेड फिर व्हाइट और फिर रेड फिर व्हाइट, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन लगाता हूँ जिसमें एम्बुलेंस काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। चलो अभी ये व्हाइट वाली लगाता हूँ जिससे रेड के बाद व्हाइट हो जाएगी। चलो चलो लाइन वाइज लगाना है और बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है यार। फ्रैंकलिन भैया आप भी काम करना शुरू कर देना, क्योंकि वरना मैं अकेले करूँगा तो अगली सुबह हो जाएगी, और मिलके करेंगे तो रात तक तो सारा काम हो जाएगा। हाँ मिलके करने में रात तक तो सारा काम हो जाएगा। चलो ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है, बिल्कुल सीधा। अभी जाके एक रेड वाली उठाता हूँ और उसको बिल्कुल लाइन वाइज परफेक्ट लगाता हूँ, और ये घुमा के और सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेट ये। और हाँ अभी सीधा नहीं, अभी सीधा लग रहा है। फ्रैंकलिन भैया वो कैसी भी लगा, जब हम ज्वाइंट करेंगे वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना? अबे वो नहीं होता है, कई बार खराब हो जाता है। और लो गाइस अब ये लास्ट एम्बुलेंस रह गई, उसको भी फटाक से काम में लगाता हूँ और लिटरली मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर मेरा काम थोड़ा सा रहेगा और बाकी का काम सिंचैन का रहेगा और चॉप का, उसके बाद तो मैं मजे करूंगा। अरे मजे नहीं करने दूंगा। फ्रैंकलिन भैया हम जितने भी कामों में अटकेंगे आप हमारी हेल्प करोगे, ये मत सोचो कि आप अपना काम करके फ्री हो जाओगे। ना ना ना, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अब ठीक है, वैसे भी सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, सॉरी सारा काम मिलके ही तो कर रहे हैं। और गाइस यहाँ का दरवाजा तोड़ के ना हमें उस साइड लगाना है, तो फटाक से मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दे रहा हूँ और उसके बाद व्हाइट वाली गाड़ी में करूंगा, जिससे गाइस हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। और आसिनचैन एक काम करियो, वायर को सही से जोड़ियो, कहीं बीच रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अरे एक वायर को 10 बार चेक करके कर रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, इसमें पेशेंट बैठेंगे ना कि पैसेंजर, इसीलिए सारा काम एकदम अच्छा कर रहा हूँ, समझ गए? वेरी गुड, ऐसे ही करियो। और चलो यहाँ तो हो गया, अब आगे वाले में करता हूँ। ओके गाइस यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। चुप, तू खड़े खड़े कर क्या रहा है, कुछ तो काम कर नहीं रहा और बस तू वहाँ पे खड़ा हुआ है। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया आज चुप खड़ा नहीं है, आज मुझे बता रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह में गलती कर देता हूँ ना इसीलिए। अच्छा और चुप इतना ज्यादा समझदार, ऐसा कैसे यार? अरे वो तो मैं खुद सोच रहा हूँ। चुप, तूने कोई बुक पढ़ी है क्या? अरे नहीं, वो जो तेरे पास बुक रखी है ना इंजीनियरिंग वाली, उसमें मैंने फोटो देखा था। चुप, तूने मेरी बुक कब पढ़ ली? फ्रैंकलिन भैया देख रहे हो ना इस चोर को? हाँ यार इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया है, मुझे तो पता भी नहीं था। चलो फिलहाल तो मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं चला आराम करने। ऑल राइट गाइस, अभी सिंचैन और चॉप ये दोनों काम करेंगे और मेरा काम फिनिश हो गया है। अभी जो भी होगा सिंचैन और चॉप ही करेंगे। चॉप और सिंचैन मैं तो चला आराम करने, जब काम हो जाए तो मुझे उठा देना, आराम से उठूंगा और उसके बाद देखूंगा कि तुम लोगों ने कैसे काम किया है। गुड नाइट यार। फ्रैंकलिन भैया उठो। अरे उठ जाओ यार, रात होने वाली है, उठो जल्दी उठो। अरे रात होने वाली है, ओ तेरी, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो गाइस हमारा एम्बुलेंस बनके तैयार हो गया, तो आप लोग चाहते हो कि मैं एम्बुलेंस दिखाऊं? सॉरी आप लोग ने तो देख ही लिया, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सिंचैन ये एम्बुलेंस तो काफी ज्यादा बढ़िया दिख रही है, लिटरली इतनी ज्यादा लंबी हो गई है तो अब। अरे यार बनाया किसने है? सिंचैन और चॉप ने यार, और आपने भी बनाया है, लेकिन आप तो बहुत जल्दी सो गए थे, ये भूल गए? अबे यार मैं काफी ज्यादा थक गया था इसीलिए मुझे नींद आ रही थी, लेकिन हाँ तुम दोनों ने ना काफी बढ़िया काम किया। और लिटरली गाइस आप लोग देख सकते हो सिंचैन और चॉप ने सभी वायरिंग को ना बढ़िया से किया है, जिससे लॉस एंटोस की सबसे ज्यादा लंबी
एम्बुलेंस बन चुकी है और ये टोटली 6 एम्बुलेंस से बना के बनी है। ये बहुत ज्यादा लंबी है। सिंचन इसको चला के देखें अब। अरे हाँ, चला के क्या, उड़ा के देखो। सारा इंजन एक में कनेक्ट है, इसलिए इसकी स्पीड बिल्कुल सुपर कार जैसी होगी यार। अच्छा, वैसे भी एम्बुलेंस की स्पीड ना काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ना जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। और ये तो बिल्कुल स्पीड में जा रही है सिंचन। अरे मैंने आपको बताया था ना, सारे इंजन एक में कनेक्ट किया है, इसीलिए। चुप, तुझे याद है ना वो वाला टाइम? अरे हाँ हाँ, उसी टाइम पे तो किया था, मुझे याद है। गाइस सही में बहुत स्पीड चलती है ये एम्बुलेंस। और तो और स्पीड और ब्रेक चेक कर रहे हैं मेरे को कि ब्रेक कैसे हैं। ब्रेक भी काफी ज्यादा बढ़िया ही है। चलो फिलहाल इसको लेके ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं हॉस्पिटल की ओर, और वहाँ पे जाके इसको देंगे डॉक्टर को, और डॉक्टर जाने और उनके पेशेंट जाने इसका यूज कहाँ पे करना है। अरे कहाँ करना है, हॉस्पिटल से रास्तों में, रास्तों से हॉस्पिटल में, और कहाँ। और ये गेट खुल गया और एम्बुलेंस, अरे खोलो और लो हम लोग बाहर। गाइस सही में इसके सायरन देख के तो लोग भी रुक जा रहे हैं और साइड हट जा रहे हैं। आए, उसको देखो कितने लंबे एम्बुलेंस है यार। अरे हाँ, देखो देखो लंबी एम्बुलेंस लॉस सैंटोस में। गाइस सही में लोगों की बोली सुन के तो मेरा दिमाग और दिल दोनों खुश हो गया। सच्ची में सब लोग हमारी एम्बुलेंस को देखे जा रहे हैं यार। और तो और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुन के ना गाइस लोग अपनी गाड़ी को साइड में ले रहे हैं। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे मैं किसी गाड़ी के आगे जाऊंगा ना वो गाड़ी रुक जाएगी। देखा, वो बगल वाली गाड़ी भी रुक गई, ये गाड़ी भी रुक गई, और सभी गाड़ी साइड देते हैं क्योंकि उन्हें पता है एम्बुलेंस आए तो गाड़ी को साइड ले लो और उसके बाद एम्बुलेंस को आगे जाने दो यार। हाँ बिल्कुल सही बोला, ताकि अगर एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट हो तो वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा सके। डॉक्टर अंकल ये देखो आपका गिफ्ट। अरे भाई तुमने बना दी, वाह वाह वाह, क्या एम्बुलेंस बनाई है यार। हाँ, और ये एम्बुलेंस, सारी एम्बुलेंस काफी ज्यादा लग्जरी भी अंदर से, जिससे पेशेंट को ना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसा लगा हमारा ये ब्रांड न्यू लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा लंबा एम्बुलेंस यार? अरे बिल्कुल दिल जैसा यार, तुम्हारे दिल जैसा, कितना अच्छा बनाया है। एक बार में कम से कम नहीं तो 30-40 पेशेंट बैठ जाएंगे। इसकी कलर, इसकी लॉन्गेस्ट, सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाया है तुमने यार। थैंक यू, ये तो मेरा काम था। चलो अभी फिलहाल आपका काम तो हो गया, अब मैं घर चलूं। अरे पैसे नहीं लोगे क्या, कितने पैसे हुए बताओ। अरे नहीं नहीं, ये काम तो बहुत बढ़िया था, मैं इस काम के पैसे नहीं लूंगा। आपने मुझे एक काम दिया वही बहुत है। चलो अभी मैं चला। तो गाइस आपको हमारी ये वाली वीडियो और एम्बुलेंस कैसी लगी फटाफट बता देना। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ऑन कर देना। और हाँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। अरे रुको, मेरे तरफ से भी लाइक सब्सक्राइब ले लो यार, मैंने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। थैंक यू।